प्रथम चरण के नॉमिनेशन की आखिरी तारीख आज। जितिन प्रसाद समेत 6 एनडीए प्रत्याशी करेंगे नामांकन। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद समेत एनडीए के 6 प्रत्याशी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्रों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। जितिन प्रसाद पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। जितिन प्रसाद पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नगीना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार करेंगे नामांकन दाखिल। योगी सरकार में लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद समेत एनडीए के 6 प्रत्याशी बुधवार को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। प्रदेश में 8 लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 27 मार्च है। जितिन प्रसाद पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। वहीं बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के लोकदल के प्रत्याशी चंदन चौहान, नगीना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार, सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल, कैराना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी और रामपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी बुधवार को नामांकन करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम अलग अलग जगह रहेंगे मौजूद। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी बिजनौर में, चंदन चौहान व नगीना लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी ओम कुमार के नामांकन पर उपस्थित रहकर सभा को संबोधित करेंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राघव लखनपाल व कैराना लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी प्रदीप चौधरी के नामांकन के अवसर पर मौजूद रहेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी और राज्य मंत्री जेपीए राठौर रामपुर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी के नामांकन के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया। दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।